कई बरसों पहले की बात है, जब रहती थी एक गरीब विधवा अपने बेटे अलादीन के साथ। वर्मा अपने बेटे अलादीन से बहुत प्यार करती थी और उसके लिए हमेशा सबसे अच्छा चाहती थी। एक बार उनके यहाँ आया एक अजनबी। सलाम, मेरा नाम मुस्तफा है और मैं अपने भाई के बेटे अलादीन को ढूंढ रहा हूँ। मैं बहुत वक्त से दूर रहा, पर अब मैं उसका चाचा वापस आया हूँ। मैं अलादीन को अपने साथ काम पे लेना चाहता हूँ ताकि वह ईमानदारी की कमाई कमा सके। अलादीन को इस इंसान पर शक हुआ। इतने सालों से ये चाचा कहाँ था और अचानक क्यों आ गया? पर अलादीन की माँ ये सुनकर बहुत खुश हो गई थी और उसको काम पे जाने दे दिया। दोनों ने बहुत दूर की यात्रा की। एक दो दिन तक रेगिस्तान में चलते रहे, जब अंत में दोनों एक गुफा के पास आ पहुंचे तो उसने अलादीन को अंदर जाने को कहा। अलादीन को मुस्तफा पर भरोसा नहीं था तो वह उसकी बात मानने में हिचकिचा रहा था, पर मुस्तफा ने बोला कि गुफा के अंदर बहुत सारे रत्न और सोना है। अलादीन को अपनी माँ का याद आया कि वह कितने गरीब थे। अगर उसको वो खजाना मिल जाता है तो उनकी सारी परेशानी ही खत्म हो जाती। फिकर करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें जितना खजाना चाहिए उठा ले सकते हो। मुझे सिर्फ एक पुराना चिराग चाहिए और फिर मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। पर मैं आप पर यकीन कैसे करूं? अचानक से आटप के? मेरी माँ बहुत मासूम है, पर आप में कोई तो बात है जो मुझे खटक रही है। हाँ, मेरे बारे में एक मिनट के लिए भूल जाओ। बस ये सोचो कि तुम्हारी माँ ये सोना और हीरे देखकर कितनी खुश हो जाएगी। सोचो कितनी आराम की जिंदगी दोगे उसको। आखिरकार अलादीन गुफा में घुस ही गया। अंदर जब गया तो उसको इतना सारा खजाना देखकर यकीन ही नहीं हुआ। जितना हो सके अपनी जेब में अलादीन रत्न हीरे मोतियों को भरने लगा। एक सोने की अंगूठी भी मिली जिसको उसने पहन लिया। अचानक बाहर से मुस्तफा बोला, अब इतना तो काफी है ना, जल्दी चिराग को ले आओ, हमारे पास इतना समय नहीं है। अलादीन को चिराग मिल गया। अलादीन गुफा के द्वार के पास गया और मुस्तफा को उसको ऊपर खींचने को बोला, पर मुस्तफा ने कहा कि पहले उसको चिराग दे दे। अलादीन को लगा कि शायद चाचा चिराग को लेकर उसे गुफा में ही छोड़ देगा, तो अलादीन ने पहले ही चिराग देने से मना कर दिया। मुस्तफा को गुस्सा आ गया। सुनो लड़के, मैं तुम्हारा असली चाचा नहीं हूँ और मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। मैं तुमको यहीं पे छोड़कर जा सकता हूँ। तुम मुझे चिराग नहीं दे रहे हो ना, अब मैं इस गुफा को इस पत्थर से बंद कर दूंगा। ऐसा कहकर मुस्तफा ने अलादीन को उस गुफा में ही बंद करके छोड़ दिया। अलादीन अंधेरे में बैठकर रोने लगा। सब इस बकवास चिराग की वजह से, ये तो सोने का भी नहीं है और काम भी नहीं करता। अलादीन ने चिराग को थोड़ा सा रगड़ा और अचानक से चिराग से नीले रंग का धुआं निकला और उसके आगे खड़ा हुआ एक जिन। मालिक, मैं आपकी तीन ख्वाहिशें पूरी करूंगा, पर सोच समझ के बोलिएगा। अलादीन हैरान रह गया और उसने तुरंत बोला, अब मुझे घर ले जाओ। और एक क्षण में अलादीन अपने घर पर था, अपनी माँ के आगे, जो अपने बेटे को अचानक से प्रकट होते देखकर बेहोश होने को थी। अलादीन ने अपनी माँ को सब बताया मुस्तफा के बारे में और फिर उसने अपनी सोने की अंगूठी को रगड़ा तो एक और जिन बाहर आया।
इस बार तो अलादीन की माँ बेहोश ही हो गई। मालिक, मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ, सोच समझ के बोलिएगा। ना सोना और रत्न दे दो जो हमको जिंदगी भर के लिए काफी होगा और उससे भी ज्यादा। अलादीन का पुराना घर गायब हो गया और उसकी जगह में आ गया एक बड़ा सा बंगला। दोनों खुशी से रहने लगे। एक दिन जब वह शहर में घूम रहा था, अलादीन ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा। उसको पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। वो थी सुल्तान की बेटी राजकुमारी यास्मिन। यास्मिन सबसे सुंदर। राजकुमारी यास्मिन भी अलादीन को पसंद करने लगी। कुछ दिन बाद अलादीन गया महल सुल्तान से मिलने। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, अलादीन ने ऐसा बोला जैसे वो खुद ही सुल्तान था। गुस्सा किए बिना सुल्तान जोर से हंसने लगा। मेरी बेटी से शादी करने के लिए तुम्हारे पास मेरे जैसा महल होना चाहिए। उसी रात जब अलादीन अकेला था तो उसने अंगूठी वाले जीनी को पूछा कि वह उसकी दूसरी ख्वाहिश पूरी कर दे, एक बड़े से महल का जो बिल्कुल सुल्तान के महल के बाजू में हो। अगली सुबह उस जगह पर था महल। सुल्तान ने अलादीन को यास्मिन से शादी करने की इजाजत दे दी। सुल्तान की मौत के बाद अलादीन ने उस राज्य पर अच्छे से राज किया। जल्द ये खबर मुस्तफा तक पहुंच गई और उसको पता था कि ये सब उस जादुई चिराग की वजह से हुआ है। उसने चिराग को वापस लेने की तरकीब सोची। अलादीन जब महल में नहीं था तब वह यास्मिन के खिड़की के नीचे खड़ा हुआ और पुकारने लगा, पुराना चिराग देकर नया ले ले, बस आज ही के लिए है, नया चमकीला चिराग ले ले। शहर के सारे लोग वहाँ जमा हो गए। जल्द यास्मिन भी वहाँ पहुँच गई। उसको लगा कि वह अलादीन का पुराना चिराग को देकर नया ले लेगी। चिराग मिलते ही मुस्तफा ने उसको तुरंत रगड़ा और जिन निकला बाहर। मालिक, मैं आपकी 3 ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, सोच समझ के फरमाइएगा। चुप करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यास्मिन और इस महल को जितना दूर हो सके उतना दूर ले जाओ ताकि अलादीन हमें ढूंढ ना पाए। जब अलादीन वापस आया तो उसने अपने महल और यास्मिन को गायब पाया। उसने 3 दिन और 3 रात तक ढूंढा पर यास्मिन कहीं नहीं मिली। अलादीन ने अपनी अंगूठी को परेशानी में रगड़ा तो निकल आया जिन। उसने जिन से कहा कि वह उसको यास्मिन के पास ले जाए। तुरंत उसने अपने आप को यास्मिन के पास पाया। मेरे प्यारे अलादीन, मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढ लोगे। दोनों और सोचा कि अब वह मुस्तफा से छुटकारा कैसे पाए। अलादीन महल में कहीं छुप गया और यास्मिन गई मुस्तफा के पास। मुझे नहीं लगता अब अलादीन कभी मुझे ढूंढ पाएगा, तो मैं अब आपकी बीवी बनना चाहती हूँ। मुस्तफा ने उस पर यकीन कर लिया। उसको लगा कि ये उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था और सारी रात जश्न मनाया कि वह थक कर सो गया। यास्मिन ने तुरंत चिराग को लिया और अलादीन के पास भाग चली। उन्होंने चिराग को रगड़ा और आया बाहर जीनी। जीनी को बोला कि वह उनको और महल को वापस अपनी जगह पर ले जाए। जल्द वह अपने शहर में वापस आ गए। अलादीन ने यास्मिन और अपनी माँ के साथ आराम और खुशी की जिंदगी बिताई।